वर्चस्व में आमने सामने आए सपा और भाजपा नेता। हिस्ट्री सीटर अमन वर्मा ने भाजपा नेता संग मिलकर सपा नेता के पुत्र को घेर कर पीटा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। पीड़ित का आरोप हिस्ट्री सीटर और भाजपा नेता उसे लूट के झूठे मुकदमे में फंसाने की रच रहे हैं साजिश। योगी और मोदी सरकार के छवि को चंद बीजेपी के छोटे भैया कार्यकर्ता लगा रहे हैं दाग। थाना बर्रा पुलिस से धक्का मुक्की के साथ महिलाओं से भी अभद्रता कर छुड़ा ले गए हिस्ट्री सीटर को। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले योगी सरकार पर ऐसे कार्यकर्ता लगा रहे हैं दाग। क्या होगी इन अनुशासनहीनता कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही, या फिर ऐसे ही दबंगई का नजारा सामने आता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम आपका, क्या आज हुआ? मेरा नाम आशा सिंह चौहान है। बड़ा बेटा हमारा कानपुर प्लास्टिक में सर्विस करता है। आज वो अपने ऑफिस में अपनी बाइक की चाबी जो है भूल गया था। उसने छोटे बेटे को फ़ोन किया कि भैया कहाँ हो, आ करके मुझे ले जाइए, एलमेल चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, बस आती है और बस ले जाती है उसको। गाड़ी जो है अपना नौरैया खेड़ा में जो पुरानी उसकी फैक्ट्री है वहाँ खड़ा कर देता है। इसके बाद बड़ा छोटा बेटा यहाँ से गया कार से, और यही बसंत पेट्रोल पम्प के पास में ये तुम्हारे अमन वर्मा और आलोक मिश्रा उनके साथ में तीन लोग और बैठे थे गाड़ी में, क्योंकि काला शीशा था वो देख नहीं पाया। उसके बार बार गाड़ी के आसपास से बार बार हॉर्न दे, बार बार जो है उसको गाली दे और कट मार रहे थे। इसके बाद उसने कहा क्या बात है भैया, जब गाड़ी आगे जा करके आगे गाड़ी के आगे लगा दिया, बोला क्या बात है, तो उसने कहा कि गाली दे करके माँ बहन की दिया। बोले साले अभी तो तेरी सरकार थी, तब तेरे ऊपर 307 का मुकदमा लिखवाया था, अब तो मेरी सरकार है, देखते हैं तुझका कौन बचाता है। इसके बाद उसके कॉलर पकड़ा और उसकी चैन घसीट खींच लिया, चैन चली गई और उसके 10,000 रुपया भी उसके छीना लिया। इसके बाद जो है गाली गलौज देते हुए बेटा जो अकेला था इसलिए उसने गाड़ी में बैठ करके वो तुरंत जो है चला गया भाई के पास। भाई यहीं खड़ा हुआ था एलमेल चौराहे के पास, उसने भाई से बताया, तुरंत मेरे पास फोन आया, हमने कहा तुम घर आओ, और आने के बाद वो डर रहा था कि ये लोग फिर लगे होंगे, तो हम दोनों भाई हैं, हो सकता है कि ये लोग हम लोगों को भी मार दें। इसके बाद हमने कहा तुम उधर से ना, तुम दूसरी तरफ से आओ और देखते हैं कि ये लोग क्या करते। इसके बाद ये आया, हमने एप्लीकेशन बनवाया, बनवा करके जब मैं यहाँ पर आई तो अमन वर्मा यानी 5-6 दोस्तों के साथ में गेट के पास खड़ा था, जो कि अपराधी है, जबकि अपराधी है, और आलोक मिश्रा 5-6 लड़के लिए वो भी वही बगल में ही खड़ा था। दोनों लोग आज सुबह से ये लोग जो है उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ ये होगा। इसके बाद जब अंदर ले गए तो चौकी इंचार्ज जनता नगर वाले का उनसे मारपीट किया इन लोगों ने, मारपीट की आलोक मिश्रा ने किया, और एक लोग और उनके साथ में थे, उनका हम नाम नहीं जानते हैं। जो लोग थे वो कौन सी पार्टी के? वो भाजपा के लोग हैं। जिन्हें मारपीट धक्का मुक्की कौन से पद थे, क्या किसी का नाम जानते हैं आप? आलोक मिश्रा जब अंदर से पार्षद संतोष